जीवन मूल्य, जीवन मूल्य हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ मूल्य होता है, तो आपके जीवन में क्या है सोचिए। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न है, आप खुद को पूछिए ताकि आप समझ सकोगे कि ये जीवन मूल्य हम हर एक के जीवन में रहता है तो मेरा जीवन मूल्य क्या है। तो आप देखते हो इर्द गिर्द समाज में या आपके परिवार में हर एक का एक जीवन मूल्य है। कि जैसे हम लोग हमारे फैमिली में देखते हैं कि जीवन मूल्य ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सफलतापूर्वक हो और वो प्रामाणिकता के ऊपर ही वो चलते रहना चाहिए, ऐसा हमारा हमारा परिवार कहता है। और दूसरी बात है कि व्यसन ना हो किसी चीज का। जैसे लोग अभी देखते हैं, हम लोग की बाहर के लोग देखते हैं कि वो किसी न किसी व्यसन में व्यसनाधीन होते हैं, जैसे अमली पदार्थ है उनके वो अधीन हो जाते हैं, या तो कुछ अल्कोहलिज्म कहते हैं, या तो कोई पान बीड़ी गुटखा इसके अधीन हो जाते हैं। और ये सब न करना और अपने में परिवर्तन लाना, यही इंपॉर्टेंट बात है। तो आपके जीवन जो मूल्य है वो किस तरह के है, ये इसको टटोलना ये एक जरूरी बात है। हमारे जीवन मूल्य ऐसे होने चाहिए कि जो खुद के लिए अच्छे हो और दूसरे के लिए अच्छे हो, ना कि सिर्फ दूसरे के लिए अच्छे हो, खुद के लिए अच्छे ना हो। हमारे जीवन मूल्य सभी का विकास करने के लिए होने चाहिए। और क्या क्या हो सकते हैं वहां पे, मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है, आनंद है, प्यार है, सुख है, समृद्धि है। ये आपके जो मूलभूत मूल्य है आपके जीवन के, वो आप कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कहां पे आप अटक गए हो? क्यों आपका जीवन उभर नहीं जा रहा है? क्यों आपका जीवन उजागर नहीं हो रहा? आप कभी पूछे कि मेरा जीवन, मेरे जीवन के मूल्य है उसमें मैं चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं? और लोग देखते हैं कि वो जीवन मूल्य के लिए अपना जो प्राण है उसको भी त्यागते हैं। और हमने देखा है इतिहास में ऐसे अनेक लोग हैं जो उन्होंने अपना जीवन मूल्य के लिए बिल्कुल किसी की परवाह नहीं की है। और ये जीवन मूल्य हम भी हमारे जीवन में रख सकते हैं। जैसे हमने देखे हैं कई जगह हम लोग देखते हैं कि ये जीवन मूल्य, जैसे मदर टेरेसा, उनका जीवन मूल्य क्या था कि जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना, और उन्होंने उसके लिए धर्म जात पात बिल्कुल देखा नहीं है। और ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा मूल्य कि प्रेरणादायी मिलती है, उनसे प्रेरणा मिलती है। वो कुछ नाम के लिए उन्होंने नहीं किया है, तो उन्होंने दिल से किया है क्योंकि वो उनका मूल्य था, जीवन मूल्य था उनका। जैसे यहाँ के कुछ महान लोग थे उसमें बाबा अम्बेडकर के अपने नाम सुना है, जिनका जिन्होंने कार्य किया है, तो उनका जीवन मूल्य का क्या था कि ये जो लोग थे, जहां जो लोग उनको स्पर्श भी करवाने चाहते, ऐसे लोगों को उन्होंने एक नया रूप दिया। उनकी जो पूरी जो लोग थे आनंदवन है, उन्होंने वहां पे बसेरा किया उनका। और आप देखिए एक बार जरूर कि इतना उन्होंने उनका जो मूल्य है सेवा करना, उनके लिए इतनी सेवा की कि ये जो लोग है उनको जो महामारी की बीमारी थी वो पूरा निकालने के लिए उनको खाना पीना देना, उनके जो बच्चे लोग थे उनका पूरा जीवन बदलने के लिए जो जो जरूरी है, शिक्षा उनके लिए जो जरूरी है वो सब किया। और ये सब जब ही हो सकता है जब आपके कुछ मूल्य हो, आपके जीवन के कुछ मूल्य हो, तो ही आप दूसरे के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो आप फाइंड आउट करिए कि आपके जीवन मूल्य क्या है, आप खुद के लिए क्या करना चाहते हो, दूसरे के लिए क्या करना चाहते हो। जब आपको ये बात समझ में आएगी कि नहीं, ये मेरा जीवन मूल्य है और मुझे इसके ऊपर काम करना है, तो आपका जीवन बहुत ही सक्सेस हो जाएगा और फुलफिल हो जाएगा। और इसके लिए तीन बातें मैं आपको बताऊंगा कि ये जीवन मूल्य कैसा आगे आपको ले जा सकता है। और पहला, उसके लिए जीवन मूल्य संभालने के लिए तीन महत्वपूर्ण चीजें जरूरी है। एक, जीवन मूल्य आपके जीवन क्या है उसे हम लोग को सोचना है, उसको फाइंड करना है, उसको देखना है, उसको चुनाव करना है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरा जीवन मूल्य है और उसके आधार पर मैं आगे जाऊंगा। और फिर दो नंबर क्या है कि ये जीवन मूल्य है उसके साथ जाने के लिए जो भी प्रयास करना है वो मैं कर रहा हूं और हर पल कर रहा हूं, चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं वो मूल्य हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और तीसरा, वो जो जीवन मूल्य है खुद के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए और देश के लिए और पूरे ग्लोब के लिए वो अच्छा ही हो, उनका जीवन मान सुधारने का पूरा उसमें कष्ट हो, तो शायद आप कुछ भी करें। शायद आप शास्त्रज्ञ हो तो कुछ साइंस का प्रयोग करें, या आप कोई क्रिएटिव माइंड वाले लोग हो
तो आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं, जैसे आप कुछ डांस कर सकते हैं या तो कुछ कलात्मक कुछ चीजें कर सकते हो, जो भी आपके कौशल है उसका सही आप उपयोग कर सकते हैं और समाज जीवन में आप जो बदलाव है वो पॉजिटिव बदलाव कर सकते हैं। दिस इज पसादिका, मैं पसादिका हूँ, मैं शास्त्र संवर्धक, मैं हीलर हूँ और लेखक हूँ। 1 कोटी लोगों के जीवन में आनंद, प्रेरणा और दुख मुक्त करना और उनके जीवन में मैत्री, करुणा और शांति देना, ये मेरा उद्देश्य है। मेरा पसादिका माइंडफुलनेस ये प्राइवेट ग्रुप है, इंपॉर्टेंट ग्रुप है, वीआईपी ग्रुप है। इसमें मैं प्रेरणादायी भाषण देता हूँ वहां पे, और उसके आप सब्सक्राइब करने के लिए आज ही इमिजिएटली आप मुझे ईमेल करिए। धन्यवाद।